मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। सुबह का पानी तांबे के बर्तन का पी सकते हैं जिनको कब्जियत की बहुत तकलीफ है, लेकिन शरीर में तांबा ज्यादा हो तो वो नहीं पिए। लेकिन सबसे अच्छा जो सम पानी माना जाता है, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सादा बर्तन का माने वो पीतल के उसमें रखा हुआ या कांसे के उसमें रखा हुआ, नहीं तो स्टील में रखा हुआ, गर्मी के दिनों में घड़े का मिट्टी घड़े तांबे का पानी पी सकते हैं। हाँ, क्योंकि कुचालक है ना लकड़ी, और तांबा बहुत ज्यादा सुचालक है। एक होता है कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर। तांबा सबसे बड़ा कंडक्टर है और लकड़ी सबसे बड़ा बैड कंडक्टर है। तो ये अगर आपने तांबा पिया माने तो अर्थ के साथ जो कॉन्टेक्ट है ना नंगे पांव, तो वो खत्म करेगा आपको। इसलिए पांव में चप्पल रहे, लकड़ी के पट्टे पे खड़े रहे, प्लास्टिक की चप्पल पहन के हो, रबर की चप्पल पहन के हो, तो ये तभी तांबे के बर्तन का पानी पीना है। वो कब्जियत से जुड़ा हुआ है। वो ये कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है, क्या करें, रात को त्रिफला चूर्ण खा के सो जाइए, नहीं तो दूध में घी मिलाकर पी लीजिए, ये सबसे अच्छा है। दूध में घी मिलाकर रात को सोने से पहले पिए तो सवेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता है। नहीं तो त्रिफला भी ले सकते 3 महीने। देखिए, एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार कह, लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की 3 महीने से ज्यादा मत खाइए, और अगर जरूरत पड़ रही है तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजिए, 15 दिन का 10 दिन का 20 दिन का ब्रेक के बाद फिर अगले 3 महीने ले सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए फिर। ये नियम बहुत जरूरी है, नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकती। केन वाटर, बहुत लोग आजकल केन वाटर पी रहे हैं, ऐसा प्रश्न आया, तो ये क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं। तो आप बोले फिर क्या करें? आपके घर जो पानी आ रहा है टैप वाटर, इसको खूब अच्छे से उबाल लें, उबाल कर इसको रख लें, फिर उसी को पिए। ये केन वाटर से 1000 गुना अच्छा है। केन वाटर पता है क्या है? ये पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी, उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है, फ्लोरीन इस्तेमाल होता है, और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब है। और केन वाटर का टेस्ट सादा पानी से बिल्कुल अलग होता है, तो केन वाटर से 1000 गुना अच्छा है टैप वाटर, लेकिन उबाल कर रखा गया है।